बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर। आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली हाउ टू यूज़ क्लैंप मीटर। तो क्लैंप मीटर कैसे यूज़ करते हैं आज इसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली ये इसका सिलेक्टर है, इसमें कुछ पोजीशन है, एम्पेयर, करंट मेजरमेंट, वोल्टेज वगैरह। तो आज करंट कैसे मेजर करते हैं क्लैंप मीटर से वो देखते हैं। बेसिकली क्लैंप मीटर में दोनों तार कभी भी नहीं चेक करते, किसी में अगर लोड लगा हुआ है तो एक वायर में क्लैंप मीटर को इंसर्ट करते हैं। और इसमें ये देखें, ये एक लोड लगा हुआ है और ये लोड को मेजर करके बता रहा है। देखें, अब मैं दोनों पे अगर मैं करूँगा तो ये इसके एम्पेयर नहीं बताएगा, 0.00 दे रहा है, यानी कि कोई वोल्टेजेस नहीं आ रहे। बेसिकली होता ये है, और अगर मैं एक के साथ लगाऊँ, यानी कि एक तार के साथ लगाऊँ, ये देखें इसने ये लोड बता दिया कि भाई ये 0.22 एम्पेयर लोड ले रहा है। तो होता ये है कि जब फ्लक्स दोनों के, यानी कि जब किसी कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो उसमें फ्लक्स जनरेट होते हैं। उन फ्लक्स को ये क्लैंप मीटर जो मेजर करता है। और ये अब देख सकते हैं आप, मैंने ये DC वोल्टेजेस पर रखा है। क्लैंप मीटर से सिर्फ करंट मेजर नहीं होता, वोल्टेज भी मेजर होता है। तो ये मेजर करते हैं वोल्टेजेस भी। वोल्टेज आपको जैसा पता होगा, वोल्टेज जो है हमेशा पैरेलल में चेक होते हैं। तो अब इसको हम स्विच में लगा के देखते हैं। ये आप देख सकते हैं सिलेक्टर मैंने चेंज किया, 230 वोल्टेजेस आना शुरू हो गए इसमें। आप इसको देख सकते हैं। एक प्रॉब जो है बेसिकली ये फेस पे लगी हुई है, रेड वाली जो है बेसिकली वोल्टेजेस पे लगी हुई है, और ब्लैक वाली जो प्रॉब है वो कॉमन पे लगी होती है। तो इससे आप इसमें वोल्टेजेस चेक कर सकते हैं। अच्छा, इस AC में कोई इशू नहीं होता कि आप कहीं पे भी डायरेक्शन में लगा दें, कोई इशू नहीं आएगा, वोल्टेजेस वो आपको बता देगा। तो ये बेसिकली तरीक़ेकार है क्लैंप मीटर को।